वायनाड छोड़कर रायबरेली भागे, उन तक भी ये आवाज जाए कि 20 तारीख को एक एक वोटर घर के बाहर जाकर पोलिंग बूथ पर जाएगा, अमेठी में कमल का बटन दबाएगा, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार देश का एक एक राष्ट्रभक्त बनाएगा। आज ये हुंकार यहां से जानी चाहिए। इस मंच पर, इस मैदान में और मैदान के बाहर पूरे क्षेत्र में आज जनता कहती है पूरे राष्ट्र से कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। इन 5 सालों में आपने जनप्रतिनिधि के नाते मुझे चुना, 10 वर्ष दीदी और बहन के नाम से सम्मानित किया और 5 वर्षों में जो 50 साल और विशेष 15 साल उनका शहजादा ना कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कर दिखाया। आज महाराज आपके सानिध्य में संक्षेप में कहती हूं, लेकिन जो प्रश्न उठाती हूं उसका जवाब देने की अब तक कांग्रेस के नेताओं में हिम्मत नहीं। इन 5 सालों में 2 साल कोरोना के रहे और 2 सालों में यहां पर ना ऑक्सीजन की किसी को कमी हुई, ना दवा की किसी को कमी हुई। हर अस्पताल में हर डॉक्टर हर नर्स ने सेवा दी, प्रशासन एक मुश्त खड़ा रहा ताकि जनता को कोई कठिनाई न हो। 2 वर्ष कोरोना के जब सर पर मौत मंडरा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव सैनिटाइजर मास्क बांटता रहा। केंद्र और प्रदेश की सरकार लोगों तक मुफ्त का राशन मुफ्त का वैक्सीन पहुंचाती रही। आपकी सांसद के नाते मुझे मौत का डर नहीं था, हर गांव हर परिवार जिसको जरूरत थी मैं पहुंची।